हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष, आप देख रहे हैं टेक्नोमेज। आज भी टेक न्यूज़ लाया हूँ, बहुत सारी और इंटरेस्टिंग खबरें लाया हूँ। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की पहली खबर जो है वो रियलमी की तरफ से है। रियलमी अपना रियलमी GT 5G ग्लोबली लॉन्च कर चुका है। उसमें आपको मिलता है 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले और आपको उसमें मिलती है रियलमी UI 2.0 और साथ ही साथ आपको एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड वो रियलमी का फ़ोन मिलता है। तो जल्दी वो इंडिया में भी आ जाएगा, तो देखते हैं कब आता है। आपको टेक न्यूज़ दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सुनने में ऐसा आ रहा है एप्पल अपने वॉचेस में कुछ नए अपग्रेडेशंस करने वाला है, कुछ नए सेंसर भी वो लाने वाले हैं उनके वॉचेस में। एक रहने वाला है ब्लड शुगर सेंसर रहने वाला है और एक बॉडी टेम्परेचर वो सेंसर लाने वाले हैं। तो देखते हैं क्या रहने वाला है वो। तो दोस्तों, अगली खबर निकल के आती है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप और जर्मनी का वॉर शुरू है। जर्मनी में कुछ रूल्स है प्राइवेसी पॉलिसी के रिलेटेड। अगर आप इनके ऐप अगर यूज़ करते हो जर्मनी में, तो 3 महीने पहले आप अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो 3 महीने आपको नोटिस देनी पड़ती है कि हम हमारे पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। बट विदाउट प्रायर नोटिस व्हाट्सएप ने जर्मनी को कुछ नोटिस नहीं दी कि हमने ये पॉलिसी चेंज करनी है। तो जर्मनी शायद व्हाट्सएप को उनके कंट्रीज़ में बैन कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट की जो 24 जून को विंडोज़ 11 रिलीज़ होने वाला था, वो रशियन हैकर्स ने पहले ही लीक कर दी है वो कॉपी मेरे पास भी आ चुकी है। तो उसके कुछ इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ मैं भी, और उसके फीचर्स की वीडियो भी मैं अभी बनाने वाला हूँ जल्द ही। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में विंडोज़ 11 के फीचर्स। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि आपको आपकी खुद के हैंडराइटिंग में डॉक्यूमेंट टाइप करने हैं अपने लैपटॉप पे PC पे, तो ये हो सकता है। तो ये ज़रूर हो सकता है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आने वाली है। फेसबुक की तरफ से AI पे कुछ वर्क हो रहा है, जिससे आपको खुद की एक इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपकी हैंडराइटिंग हो, उससे वो टेक्स्ट स्टाइल कॉपी करेगा और उसका एक फॉन्ट तैयार करेगा जो कि आपके टाइपिंग में काम आएगा और वो आपकी हैंडराइटिंग में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है। तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ये खबर। अगर खबर इंटरेस्टिंग लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगली खबर निकल के आती है कोविड के रिलेटेड। UK की स्टडी कहती है कि डेल्टा जो वेरिएंट है कोविड का, उसके खिलाफ ड्यूअल वैक्सीनेशन बहुत असरदार साबित हुआ है। अगर आपने कोविड की वैक्सीनेशन नहीं की है, ड्यूअल वैक्सीनेशन नहीं की है, तो जल्दी जाकर वैक्सीनेशन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वक्त आता है आज की टेक न्यूज़ एंड करने का। अगर आपको इस न्यूज़ में से कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको न्यूज़ कौन सी अच्छी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली टेक न्यूज़ में।